हैं इस बकरे पे हमने मैंने स्टार्ट हो चुकी है खसी बकरा हो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपने वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा कि आज हमारा जो पहला दिन जो उसमें का गोट्स के लिए कि हमने आज कटिंग का दे रखा था, क्योंकि कुछ बकरियां नई भी हमारे पास आई थी, उनके साथ कुछ मामला थे उनको सेट करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं पीछे भी एक कटिंग चल रही है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शुक्रिया। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बकरे पे हमने फ़िलहाल मेहनत करना शुरू कर दी है। पहले एक आध दिन इसको हो गए हैं खसी कराए हुए और उसके टेस्टिकल पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी मार रहे हैं ताकि इसकी सूजन वगैरह ख़त्म हो जाए। आज हमारा इसको इरादा है इसको हम लोग इसके बाल वगैरह उतारेंगे, क्योंकि हमें इस पर थोड़ा सा शक है कि इसके ऊपर जो बाहर से आया है हमारे पास, इसके पास इसकी खाल में थोड़ा मसला, जुएँ वगैरह इंजेक्शन लगाया है, मगर फिर भी इसको गंजा कराने के बाद जो बाल वाल उतार देंगे तो इससे ये बेनिफिट हमें मिल जाएगा कि हम इसको इसके ऊपर जो मेहनत करेंगे जो दिखेगी कि हमारी मेहनत किस तरह की नज़र आ रही है। ये भाई हमारे एक आ गए, वो बैग आ चुका है, सही है। तो इंशाल्लाह जैसे ये तकरीब स्टार्ट होती है, जैसे मसला हल होता है तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाता है। ये अली भाई हमारे आ गए, जैसे देख रहे हैं कि अभी इसकी ऑयलिंग वगैरह कर रहे हैं मशीन की, और इस बकरे को आज गंजा हम कराएँगे ताकि इसके खाल की शाइन वगैरह भी चले, जो हम मेहनत करें इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। वैसे मौसम तो थोड़ा आउट हो गया है, मगर इसके थोड़े जुएँ वगैरह हैं, इसकी वजह से हमारी दूसरी बकरियों में पड़ सकते हैं, इसलिए वो हम रिक्स नहीं लेंगे, इंशाल्लाह वो आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग स्टार्ट हो गई है, फुल जो ग्राइंडर टाइप की मशीन होती है उस तरह की मशीन है, फुल आज को गंजा करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे जो मेहनत हम कर रहे हैं। देख सकते हैं थोड़ा घुमाएं इनके बाबा, कितने इन साइड रोशनी है तेरी। हाँ जी सही है, तो वैसे तो लेटा के करते हैं, यूट्यूब की पॉलिसी ख़राब है, रस्सी नहीं दिखानी, इसकी वजह से हम थोड़ा सा ये दिखा रहे हैं इंशाल्लाह। इसलिए देख सकते हैं अली भाई कितने एक्सपर्ट हैं, बकरे को बिल्कुल नॉर्मल पकड़ा हुआ है, बकरा बिल्कुल ठंडा होकर आराम से कटवा रहा है माशाल्लाह। अली भाई की हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक ही लेंथ में बाल काटें ताकि एक जैसा ही बकरे का शेप आए माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह। इसकी हम आपको पुरानी वीडियो भी दिखाएंगे साथ साथ में, और साथ में भी आपको नई वीडियो भी दिखाएंगे। ऐसे देख सकते हैं कि एक साइड की कटिंग हो चुकी है, ये इसके बाल मौजूद हैं। अब इसको भाई को नादर भाई को घुमा के दिखाओ दूसरी साइड, नादर भाई से दरख्वास्त की है इसको घुमा के दिखाएं तो दूसरी साइड देखें। अब कुछ हिस्सा का बाल कटे हैं, बाकी बाल हैं इंशाल्लाह वो भी काटते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब इसकी कटिंग का कॉलर से एक, ये हमारी एक और बकरी माशाल्लाह फुल तैयारी में, माशाल्लाह मैं इसका चड्डा आपको दिखा सकूं, ये फुल तैयारी में, ज़्यादा से ज़्यादा एक से दो दिन और लेगी तो हम इसकी पीछे के बैक वाली जगह साफ़ करवा रहे हैं ताकि क्योंकि उसके बाद बच्चे देने के बाद जो कचरा फेंगे तो कीड़े वीड़े लगने से हम बचा सकें। माशाल्लाह बकरी देख सकते हैं गुलाबी है, लगी हुई है, बड़े ब्रीडर से हमारे, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। अली भाई को हमने दरख्वास्त की है माशाल्लाह से हमारी एक और बकरी माशाल्लाह फुल प्यारी में, माशाल्लाह इसका चड्डा देख सकते हैं माशाल्लाह, ये भी फुल प्यारी पे एक आध दिन में ये भी दे देगी। जो हमारे को इस पर थोड़ा शक है कि ये मक्का चीनी पे लगी है, यहाँ गुलाबी पे गुलाबी बकरा भी मौजूद था, मक्का चीनी बकरी भी माशाल्लाह, बकरी आप देख सकते हैं माशाल्लाह। इस बकरी मैंने आपको बताया था आज तक आपने बकरों के पास से देखे थे, ये देखें बकरियों के पास से माशाल्लाह फुल हैवी वेट बकरी है इंशाल्लाह, इसको आपको शौक दिखाएंगे अलग से माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं कल जो हमने काम शुरू किया था तरक्की याफ्ता, हमने कुछ प्लाट लगा लिए थे और उसके अलावा साथ साथ में अभी इनके खड्डे बना रहे हैं। ये ड्रिल मशीन आप देख सकते हैं, ये भाई कटाई कर रहे हैं, इसमें हम लकड़ी के बाग लगाएंगे, कहीं पे हम लोग ये बकरे पालने के लिए कुंडे लगाएंगे और उनके खाने की जगह बनाएंगे, और इसके अलावा ये जो हम पोर्शन ख़ास तौर पर फ़िलहाल जो हमने इरादा किया है इधर ब्रीडर रखना है, ब्रीडर रखना है, ब्रीडर के हिसाब से ये गेट लगाएंगे। अभी गेट आधा कुछ तैयार करने के लिए वेल्डर को दिया हुआ है, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा एक आध दिन में, तो वो आस्ता आस्ता हम खुद अपनी मदद आप में काम कर रहे हैं। कि आप देख सकते हैं कि इस बकरे पे हमारी मेहनत स्टार्ट हो चुकी है, खसी बकरा हो चुका है, कटिंग हो चुकी है, डिमोमिंग इसकी करनी है, इसके बाद इसकी वैक्सीन भी करेंगे। और ये हमारी अपडेट आप देख सकते हैं कि हमने ब्लॉक वगैरह लगा लिए हैं, ब्लॉक के साथ होल बना रहे हैं ताकि हम इसमें बाज वगैरह लगा सकें और उसकी प्रॉपर खुलियाँ वगैरह बना सकें। और किसी भाई ने अगर पलवाई के हिसाब से अपने बकरे वगैरह हमसे हमें देना चाहें, अगर हमारा हम पर भरोसा करें तो वो भी हमसे रابطہ कर सकते हैं। माशाल्लाह हमारे पास जगह बहुत खुली भी है, हज़ार ब्रीडर भी हैं, अगर किसी को अपनी बकरियां वगैरह लगानी है वो भी हमसे रابطہ कर सकता है, शुक्रिया।
जैसे देख सकते हैं इस बकरी की कटिंग हो रही है। इस कटिंग की मेन वजह जो है कि ये बकरियां फुल माशाल्लाह फुल तैयारी पे तक जा रही हैं, जो जब बच्चा देंगी तो पीछे की तरफ कचरा वगैरह आएगा, उसकी वजह से कुछ बकरियों के थनों में और बैक साइड में कीड़े वगैरह लगने का डर होता है। तो हमने अली भाई को बुलवाया है। जैसे देखें अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। अली भाई का नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और वीडियो में भी होगा। अगर किसी भाई को अपने बकरियों के बाल वगैरह कटवाने हों तो ये इनसे रब्ता कर सकते हैं, एक दिन पहले बताएं ताकि आपके साथ वो रब्ता कंडीशन करके आ सकें। शुक्रिया।